गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम नेचुरल सिलेक्शंस के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का और सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ा था हमने डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोस। आज हम थर्ड एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन का, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से मतलब है कि ऑटोसोम, आप लोगों को पता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में कितने होते हैं, 23 पेयर्स। मतलब 22 पेयर्स हमारे होते हैं ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। तो ऐसी डिजीज जिसके जीन कहाँ पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, वो कहलाती हैं ऑटोसोमल डिजीजेस। और रिसेसिव मतलब कि उनको एक्सप्रेस होने के लिए उनके दोनों जीन का प्रेजेंट होना जरूरी है, दे आर नोन एज रिसेसिव। तो सिकल सेल एनीमिया हमारी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसीज होती हैं उनकी शेप हो जाती है कैसी, सिकल शेप। आरबीसी की शेप कैसी होती है हमारी, बाइकॉनकेव, और कैसी हो जाती है वो, सिकल शेप। सिकल शेप होने से जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर भी कैसा हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। और जिससे जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो अब हम इस एग्जांपल में बात कर रहे हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका के अंदर जो मलेरिया डिजीज है वो बहुत ज्यादा सीवियर होती है और उसका जो कॉजिंग एजेंट है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से जो मलेरिया होता है वो डेडली मलेरिया होता है। तो यानी कि अफ्रीका में जो मलेरिया है वो एक डेडली डिजीज है। और वहां पर जो सिकल सेल एनीमिया वाले लोग हैं उनको ये एडवांटेजेस होती है कि उनके ऊपर मलेरिया पैरासाइट का इफेक्ट नहीं होता है। अब यहां हमारी तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, ये नॉर्मल मैन है, इसके जो दोनों जीन है या दोनों एलील है वो क्या है, नॉर्मल है। तो ये कैसा इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल। हम एलील को शो कर रहे हैं HbA नॉर्मल एलील को और HbS यानी कि सिकल सेल एलील को। ये सेकेंड कंडीशन है, यहां पर एक एलील हमारा नॉर्मल है और एक हमारा सिकल सेल है। तो इन लोगों में जो 50% आरबीसीज होती हैं वो नॉर्मल होती हैं और 50% आरबीसीज डिफेक्टिव होती हैं। अब हमारी थर्ड कंडीशन यानी कि दोनों ही जो जीन है वो कैसे हैं, सिकल सेल एनीमिया वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो 100% आरबीसीज है वो कैसी होंगी, डिफेक्टिव होंगी। और ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते हैं क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो अब हम मलेरिया की बात करें, तो अगर इस पर्सन को मलेरिया होगा तो क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसके लिए कैसा होगा मलेरिया, डेडली होगा। इन्हें मलेरिया नहीं होगा और ये पर्सन सरवाइव नहीं करते हैं। तो ये कंडीशन क्या हुई, तो अफ्रीका के अंदर ये 50% डिफेक्टिव आरबीसी वाले लोग सबसे ज्यादा सरवाइव करते हैं, नॉर्मल वाले भी सरवाइव नहीं करते और 100% सिकल सेल वाले भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ नेचुरल सिलेक्शन का, जिसके अंदर नेचर ना तो नॉर्मल को सेलेक्ट कर रही है और ना ही 100% डिफेक्टिव को सेलेक्ट कर रही है, इसे सेलेक्ट कर रही है इंटरमीडिएट को।
this is an example of intermediate natural speech. Okay, understood?